हिजबुल्ला के गढ़ में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। लेबनान में 2 किलोमीटर तक घुसी इसराइल की सेना। हिजबुल्ला के लड़ाकों के खिलाफ फाइनल स्ट्राइक। क्या 3 तरफ से घिरा इसराइल भेद पाएगा चक्रव्यूह? लेबनान में इसराइल की सेना जिस ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है उसका मकसद बेहद साफ है, और वो ये कि इसराइल की सेना इस ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्ला से जुड़े एक एक किरदार को खत्म कर देना चाहती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि शुरुआती ऑपरेशन में जो खबरें आ रही हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं कि हिजबुल्ला के गढ़ में घुसकर इजराइल की सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। खुद इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान उसके 8 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं। यानी दुश्मन को जड़ से खत्म करने के चक्कर में इसराइल के सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं, उसके लिए लेबनान में कदम कदम पर चुनौती है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि लेबनान में इसराइल के लिए दाखिल होना तो आसान है, लेकिन दुश्मन का काम तमाम करके वहां से सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल है। इसकी वजह है हिजबुल्ला का गढ़ और उसकी सैन्य ताकत। भले ही लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाके हवाई हमलों में इसराइल का मुकाबला न कर सके, लेकिन जमीन पर मुकाबला करने में वो पूरी तरह से सक्षम है। हिजबुल्ला का दावा है कि उदाइसा और यारून इलाकों से उनके लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्ला ने इजरायली सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सैनिकों को मारकर और कुछ इलाकों से खदेड़ने के बाद हिजबुल्ला का आत्मविश्वास लबालब हो गया। 2006 के युद्ध में भी इसराइल देख चुका है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ जमीनी जंग कितनी मुश्किल थी। उस जंग में 125 से ज्यादा इसराइली सैनिकों की मौत हुई थी और हिजबुल्ला के लड़ाकों ने 20 से ज्यादा इसराइली टैंकों को तबाह कर दिया था। इसराइल के लिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अब हिजबुल्ला सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि पलटवार की रणनीति पर भी आगे बढ़ रहा है। हसन नसरल्ला की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्ला का एक एक लड़ाका सिर पर कफन बांध चुका है। इतना ही नहीं, इसराइल इस जंग में 3-3 मोर्चों से घिरा है। पहला ईरान, जो 200 मिसाइलें दाग कर इसराइल को चुनौती दे चुका है। दूसरा हिजबुल्ला, जो लगातार इसराइल की सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा हमास, जिसके साथ पिछले 1 साल से गाजा में इसराइल की सेना का युद्ध जारी है। इस वीडियो को भी इसराइल की मुश्किलों की वानगी माना जा सकता है। इसे हमास की अल कसम ब्रिगेड ने जारी किया है। इस वीडियो में इसराइल की सेना के उन टैंकों को मार गिराने का दावा किया गया है जो टैंक हमास के लड़ाकों का सफाया करने के लिए गाजा में दाखिल हुए थे। यानी इसराइल को अगर अपने मिशन को अंजाम देना है तो उसे तीनों मोर्चों पर दुश्मन को शिकस्त देनी है। Oh!
ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट टू से दहला इसराइल। कितना खतरनाक फतेह गदर और एमाद। ईरान के हमले से इसराइल को कितना नुकसान। मंगलवार रात ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला किया। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के शहरों को निशाना बनाया। इस साल इसराइल पर ईरान का यह दूसरा हमला है। अप्रैल में भी ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल से सैकड़ों अटैक किए थे, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया। अप्रैल की तुलना में ये दोगुना बड़ा हमला।